अरे हमारे लिए तो मोदी सही है। हाँ, मोदी ने काम किया है, काम तो किया, अच्छा काम किया है। हाँ, तो कांग्रेस के काम से आप संतुष्ट थे? काम से नहीं, लेकिन हाँ ये है कि सबके लेके चलने वाला सारा सिस्टम लगता है। सब मोदी जी को लाने, मोदी जी को लाने लहर है, लहर है बहुत। अरे हमारे लिए तो मोदी सही है। हाँ, मोदी ने काम किया है, काम तो से किया, अच्छा काम किया है। हाँ, क्या क्या बदलाव, कुछ पहले से बेहतर लग रहा है कि कांग्रेस सरकार से ज़्यादा अच्छा लग रहा है? कांग्रेस सरकार से अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो किन किन मुद्दों में राहत मिली है आम आदमी को? मुद्दों में मतलब हर चीज़ राहत सबको मिली है। हाँ, बहुत समस्या थी पहले, लेकिन अब अच्छा है, हर चीज़ बढ़िया है। मतलब शौचालय का, पानी, बिजली, सब कुछ, सफाई, शौचालय भी बन गया हर गाँव में, शौचालय भी बन गया, घर घर शौचालय भी बन गया। आप कहाँ से आते हैं? हम बाराबंकी से आते हैं। अच्छा, उधर सब ठीक है? अच्छा, आप बताइए क्या नाम आपका? हमारा नाम शादाब है। शादाब है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? जो अच्छा करेगा भाई वो हमेशा अच्छा है। आपने तो काम सबका देखा ही होगा जी, हर सरकार में तो आप लोग हैं, आप लोग मतलब इतनी उम्र है पूरी की सबकी सरकार देख ही चुके हैं अच्छे से, सबका काम देख ही लिया होगा, तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा, मतलब किसको जनता चाह रही है कि फिर से आए? मोदी आएंगे। मोदी ने काम किया है, आने लायक काम किया है जी। कहाँ जो भी है बस देश के लिए भला करे, तो यही है। हाँ भाई, और बेरोजगारी हटाए, सबसे बड़ी मुद्दा तो ये बेरोजगारी का है। और क्या क्या आप लोगों को चाहिए कि काम क्या क्या करे सरकार? एक्चुअली बिजनेस में थोड़ा जीएसटी में थोड़ा कटौती करे, जीएसटी को ज़्यादा भारी पड़े बिजनेस, हम लोग के लिए कपड़े का काम करते हैं। हाँ, उसके थोड़ा ज़्यादा भारी पड़े, जो भी है थोड़ा जीएसटी कम कम करे। हाँ, तो धीरे धीरे सुधार होता रहता है, सुधार होता रहे, बहुत सुधार होते हैं। और सिर्फ खाली वादे पे ना रहे, काम करे। हाँ नहीं, खाली हर सरकार को करना चाहिए, वही बात है, खाली ये ना रहे। इस चुनाव में आप लोग किसको देंगे वोट? हम लोग को ज़्यादातर तो सपा को जाता है। सपा में तो मतलब सेंट्रल में लाने के लिए? सेंट्रल में तो इस समय जो भी जाएगा तो कांग्रेस या फिर बीजेपी, यही दो है सेंट्रल, दो ही बड़ी पार्टियां हैं। आप अपना मत बता दीजिए। अपना मत तो कांग्रेस को ही जाएगा फिर। अच्छा, तो कांग्रेस के काम से आप संतुष्ट थे? काम से नहीं, लेकिन हाँ ये है कि सबके लेके चलने वाला सारा सिस्टम लगता है। मतलब काम से संतुष्ट नहीं है, वैसे सबको लेके चले है। आप ये होता है कि खाली आपने ये बीजेपी का 5 साल देख लिया। हाँ, कांग्रेस का भी 70 साल देख लिया, तो एक वो बन जाता है ना कि हम समझ चुके हैं कौन कितना कर देता है। तो एक वो सब छोड़ के सबको साइड में रख के एक वो होता है कि हमें काम से मतलब है, इससे नहीं कि कौन वोट बैंक बना ले। नेचुरल न्यूट्रल सोच बता दीजिए, कोई भी वो थोड़ी है, उनमें आपके क्या चलता है अल्टीमेटली? अगर जनता को अपना बेनिफिट नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं मिलेगा, तो आप सिर्फ एक तरफा मन बना के देने का क्या? मन तो यही है बस कांग्रेस को, कांग्रेस को देना चाहते हैं। चुनाव में जैसे आप लोग क्या सोच रहे हैं, किसको सरकार में लाएंगे? यूपी का मन क्या है? लखनऊ भाजपा का मन है, बस भाजपा लाना चाह रहे हैं जी। काम किया उसने? बहुत काम किया, पिछली सरकार से ज़्यादा काम किया है। पिछली और अगली का कोई सवाल ही नहीं, इसने जो किया है वो कोई नहीं कर पाया अभी तक, तो कोई नहीं कर पाया। अच्छा, तो आगे भी उत्तर प्रदेश में यही मन है कि भाजपा आएगी 100%? अच्छा, तो ये कोई और जनता की कुछ मांग वांग? अब कोई मांग नहीं है, केवल भ्रष्टाचार और कम करें, और कम करें। अभी 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 जितनी उम्मीद है उतना हुआ नहीं है। अच्छा, और ये जो कांग्रेस से इल्ज़ाम इल्ज़ाम लगाते हैं, ये सब बच्चे हैं। और ये रफेल वफेल के घोटाले वोटाले में क्या कहते हैं? सब सब बालकों का काम है, आपको कुछ नहीं करना है तो कुछ ना कुछ तो बोलना है, इसलिए कोई कुछ तो बोलेंगे आप। हाँ, बट वो सब बातें हम लोगों ने भी बूढ़े हो गए 70 साल देख। हाँ, आप लोगों ने सबकी सरकारें देखी हैं, सबका काम देखा, सबको देख लिया। भ्रष्टाचार में अभी भी बहुत कुछ करना है। हाँ, सारे दफ्तरों में सब में थोड़ा सा वहाँ सुधार चाहिए। बात अच्छा नहीं, ऑब्वियसली लाइक मोदी जी को ही वोट देंगे। हाँ, और मैं क्या मतलब शायद जो भी पढ़ा लिखा और समझदार इंसान है वो उन्हीं को वोट देगा, क्योंकि हम लोग खुद देख रहे हैं कि लाइक वो बहुत सेंसिबल हैं और जिस तरीके से काम हो रहे हैं सबको पता है, लोग कुछ भी बोलें, बट यही है कि हाँ मोदी जी तो पिछली सरकार से अच्छा काम किया उन्होंने, मतलब बदलाव आया। देखिए बदलाव की बात नहीं है, लाइक लखनऊ में हम हैं तो मायावती जी ने बहुत कुछ बनवाया है, लेकिन अगर हम मोदी जी की बात करें तो बनवाने से ही सब कुछ नहीं होता। लाइक हमारा फ्यूचर है ना, हमारी फ्यूचर की जनरेशन जो आएगी उसके लिए क्या बेस्ट है, तो वो मोदी जी में दिखता है। तो डेफिनेटली कंट्री के लिए एज अ होल सेंटर में वही होना चाहिए। अभी फिलहाल कोई उनके टक्कर का नहीं है, तो हमारा कोई और फेस नहीं है, कोई और फेस नहीं है। तो राहुल जैसे पूरा जो गठबंधन महागठबंधन है वो मतलब एक तो सब लड़े हुए हैं कि हम पीएम बनेंगे, सबके पास एक एक है, तो और राहुल मतलब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को थोपने में लगी हुई है, तो हाँ, तो वो
कितना भी कुछ करें उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आज के जो यूथ है और जो भी हमारे कहते हैं ना कि लाइक जो पढ़े लिखे एक मेजॉरिटी है वो जानती है कि क्या सही है क्या गलत है. तो यू नो कितना भी इलेक्शन का प्रमोशन कर लें या प्रचार कर लें कुछ भी कर लें, जो ट्रूथ है जो फैक्ट है वो सबको दिखता है और एंड में रिजल्ट आप सबके सामने ही होगा. मोदी जी बेस्ट हैं अभी, क्योंकि किसी इंसान में आपको वो काबिलियत देखनी चाहिए. हमारा एक प्रधानमंत्री होता है जिसको आप किसी भी कंट्री में रिप्रेजेंट कर सको, है ना, आप उसे फेस कर सको, लगे कि हाँ ये बंदा है ना, तो वो आपको राहुल गांधी में कहाँ दिखता है. तो ये बताओ 18 के हो गए वो, है ना, तो ये जो चुनाव आने वाला है जी, या वोटर आई डी बन गया तुम्हारा? जी बन चुका है. तो किसको वोट देने का चाह रहे हो? मोदी. मोदी जी को दोगे? जी. तो काम तो देखा ही होगा सबका जी. तो देश में कितना बदलाव लाए? बदलाव तो लाए हैं, जैसे अभी आतंकवाद हमले जो हुए हैं, उसमें काफ़ी उन्होंने दिलचस्पी अपने आप को दिखाया कि मतलब वो हर चीज़ को मतलब ठान चुके हैं कि मतलब अब करना है. जैसे कि अब हमला जैसे हुआ, उन्होंने पहले ये वो चीज़ सब कुछ कंफर्म नहीं हुआ था कि हमला हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका, बहुत सह चुके हैं, अब कुछ करना है. पिछली सरकार से तो मतलब काफ़ी हिम्मत दिखाई और मारा पीटा सब घर में घुस के मारा, देश की छवि बदल दी है कि अब देश की छवि. हाँ, और क्या नाम है, यहाँ ये देख लीजिए अभी क्या नाम है, दाऊद का दबाव इस समय अभी कम हो चुका है. ये हमले जो कह रहे हैं मैं करवा दूंगा, लेकिन अभी जो अब सरकार आने वाली है, अब अगर सरकार आ गई तो ये सब खत्म हो सकता है, आतंकवाद सब खत्म हो सकता है. तो युवा मतलब तुम्हारे एज वाले लोग क्या चाह रहे हैं मोदी जी से? मोदी से ये चाह रहे हैं कि वो आतंकवाद को सबसे पहले ख़त्म करें. अच्छा. अब यहाँ अपने ही कुछ लोग हैं, नेता भी मिले हुए हैं कुछ लोग. अभी जैसे वो देख लीजिए कपिल शर्मा शो के वही थे, उन्होंने सिद्धू जी ने बोला कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल से तो वो भी ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे काम. अगर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं तो मतलब सब मोदी जी को लाने लहर है बहुत.